देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर काजी ने सभी मदरसों को कोविड केयर सेंटर बनाने की पेशकश की है। उनका कहना है कि महामारी के बिगड़ते हालात में जब मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसे वक्त में उनकी मदद करना चाहते हैं। अहमद कासमी ने देश को कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ मांगी, साथ ही इसके लिए विशेष प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। कासमी कहते हैं कि हमसे जो भी संभव होगा सरकार की मदद करेंगे। अभी मतलब कि कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके असबाब होंगे, समझे, जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से, मतलब कि जैसे मकामी मरीज़ है वो उसको जगह नहीं मिली तो उसको वहाँ जगह देंगे, समझे। तो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कुल 49,492 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यधिक बोझ पड़ने से चरमरा गई है। ऐसे में शहर काजी की ये पहल मरीजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।